हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं एक कनाडा मूवी ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है डियर विक्रम। और इसके अंदर हमें सतीश, नीनासम और श्रद्धा श्रीनाथ दिखने वाली है। और इसके अलावा गाइज, मैं कुछ नहीं जानता ट्रेलर के बारे में, तो बिना किसी देरी के पहले ट्रेलर देख लेते हैं और फिर करते हैं चर्चा कि इसके अंदर है क्या। चलो। ನಾನು ನನ್ನ ಲವರ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಖ ಅಚ್ಚಾ ಡೈಲಾಗ್ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಪೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮೆ 300 ಎಕರ್ ಜಮೀನ್ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ. ಹಿಂದಿ ವಾಪಿ 40 ಲಾಖ ಕರೋಡ್ ಕಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಫ್ ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಿಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಟು ಏಕ ಪೂರೆ ಜಂಗಲ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಜಮೀನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ರೈತರು ಜಮೀನು ಇದ್ರು ನಾನು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಶೇಕಡ 33% ಜನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರು ಈ ದೇಶದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಈ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹೈಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಕ್ಸಲೈಡ್ ಬಂದ್ ಗ್ಯಾ. ನೀನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬ್ಕೊಂಡು 1000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜಿಎಂ ಬಾಸ್ ಯಾರ್? ಕಾಫಿ ಕುಚ್ ಚಲ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್? ಪೊಲೀಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದು. ಕೈಗಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಡಿಗಳು ತರ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಾಜನೇ ಮುಖ್ಯನಾ? ಹೌದು, ನಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್. ಹುಟ್ಟು ದರಿದ್ರ ಆದ್ರೂ ಸಾವು ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಗ. ಓಕೆ, June 30 ಇನ್ನು ಆ ಚುಕಿ ಹೇ. ಓ, ಕಾಫಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಲಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಥಾ ಯಾರ್. ಔರ್ ಜೋ ಮುಜೆ ಸಬ್ಸೆ ಅಚ್ಚಿ ಚೀಜ್ ಲಗಿ ನಾ ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಉಸ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಜಹಾಂ ಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ, ಜಹಾಂ ಪೆ ವೋ ಬತಾತಾ ಹೈ ಕಿ सब लोग तो मतलब दूसरे के प्यार से शादी करते हैं लेकिन मैं अपने प्यार से शादी कर रहा हूँ. और जहाँ पे एंड होता है कि वो डेथ वाला बताता है ना, क्या था वो डायलॉग, वो ज़बरदस्त डायलॉग था. एक सेकेंड. हाँ, कि हमारा जन्म अगर मेमोरेबल नहीं हुआ तो लेकिन हमारा जो मरना है एटलीस्ट वो होना चाहिए, कि कुछ तो मेमोरेबल होना चाहिए. तो यार ये डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त इसमें ऐड किए हुए हैं. और जिस हिसाब से वो डायलॉग डिलीवरी भी है ना, वो भी काफ़ी जेन्युइन सी नज़र आ रही है और बहुत रियल नज़र आ रही है. और जिस हिसाब से ट्रेलर नज़र आ रहा है, मतलब स्टोरी तो पता चल रही है कि जो उसकी लाइफ स्टोरी है ना कहीं वो एक बड़े से चीज़ के साथ वो कोलाइड हो रही है. कि हम स्टार्ट में देखते हैं जहाँ पे वो बात करते कि जो ज़मीन है ना, जो आई थिंक 40-50 हज़ार एकड़ की बात करते, तो वहाँ पे कुछ उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं ऑयल और गैस के, तो उनको वो चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली वो ज़मीन काफ़ी लोगों की है, शायद वहाँ पे फार्मर्स है और जो वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं उनकी है. और आई थिंक उनमें से ये एक होता है और इस वजह से वो जाता है नक्सलाइट बनने के लिए, ताकि उनके तरफ से लड़ सके. और यहाँ पे अब ये पता नहीं चल रहा कि इसमें जो पॉलिटिकल जो सिनारियो होगा वो किस पॉजिटिव वे में होगा कि नेगेटिव में. क्योंकि एक डायलॉग में नज़र आता है ना, जहाँ पे बोलता है कि 33% ऑफ जो पॉलिटिशियंस है इंडिया में, वो उनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है ना, उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस है. तो अब इसके अंदर पॉलिटिशियन को एज ए नेगेटिव दिखाया जाएगा कि पॉजिटिव, क्योंकि एक डायलॉग में नज़र सुनाई देता है ना कि वो जो बंदा होता है, शायद वो पॉलिटिशियन ही होता है, जो बोलता है कि अगर वो ज़मीन में से एक एकड़ भी फार्मर की हुई तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा, तो वो तो अपने आप को आउट करता है. तो इसके अंदर मतलब काफ़ी डेप्थ में लिखा गया है. मुझे लग रहा है कि इसकी जो राइटिंग होने वाली है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टफुल होने वाली है. जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग का जो डायलॉग है वहाँ से और एंड के डायलॉग, यार इतने दोनों इतने इम्पैक्टफुल है, और आप अगर बस उसको सुनोगे ना तो आपको इस तरीके से हिट होंगे. और दोनों कितने 180 डिग्री भी है ना, मतलब स्टार्टिंग आप एक प्यार के डायलॉग से करते हो और एंड जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बिगर पिक्चर दिखाता है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ करने की बात बताता है ना, कि भाई आप पैदा हुए हो वो मायने नहीं रखता कि मेमोरेबल है या नहीं, लेकिन आप मरते कैसे हो वो डिपेंड करता है कि वो मेमोरेबल होना चाहिए. और जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में जो प्यार वाला डायलॉग था कि मैंने लोग तो दूसरे के प्यार से शादी करते हैं, मैं अपने प्यार से किया हूँ,
तो यार काफ़ी राइटिंग वाइज तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ होगी ना उसके अंदर ये उसकी राइटिंग होगी और लोगों की एक्टिंग यार, वो यार वो मिसिंग नहीं है। मतलब अगर आपने पूरा ट्रेलर में एक चीज़ नोटिस किया होगा कि क्लोजअप कितने अच्छे लिए गए हैं, कि इसके अंदर कितने मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और उनके क्लोजअप काफ़ी अच्छे से इन्होंने कैप्चर किए, और वो इंटेंसिटी कैप्चर होती है ना क्लोजअप से कि जब वो इमोशनल अपने दिखाते हैं, भले वो प्यार का हो या फिर गुस्सा होने का हो, ऐसी कोई भी इमोशन तो दिखा रहे हैं उन्होंने परफेक्टली कैप्चर किया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक्टिंग वाइज भी काफ़ी जेन्युइन एक्टिंग नज़र आ रही है सबकी और काफ़ी रियल लग रहा है, और बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारे फुटेज यूज़ किए हैं जो रियल, मेरे ख्याल से रियल सिनारियो टाइप लग रहे थे, है ना, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट्री सा फ्लेवर दे रहा था। तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर, मतलब जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही थी, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे और काफ़ी सारे लेयर्स में स्टोरी दिखाई जा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है जो मेन प्लॉट है वो कहीं ना कहीं वो इस बंदे की स्टोरी है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करेगा, है ना। ये बड़े बड़े जो जायंट्स होते हैं ये प्रोजेक्ट बनाते हैं और लैंड एक्वायर करते हैं, वो सब के अगेंस्ट में अगर वो जा रहा है किसी नक्सलाइट ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, तो अब उसका एंड क्या होगा, क्या वहाँ से वो जीतेगा या फिर वो उस चीज़ को छोड़ेगा या वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें देखने लायक होगी गाइज। और सही में बहुत बहुत ही ज़्यादा डीप है ये ट्रेलर, और इसकी राइटिंग और इसकी काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी डीप है, और जैसे मैंने कहा इसका बीजीएम भी बहुत अच्छा है। तो सही में गाइज मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये आ चुकी है तो डेफिनेटली मैं देखने वाला हूँ वूट सेलेक्ट पे। और आपको कैसा लगा ये आप ऑब्वियसली लिखिए कमेंट में, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।